रामपुर में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर यशपाल सिंह ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है। यशपाल सिंह का आरोप है कि उनकी बहन के ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी और पुलिस की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिली और अब परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। यशपाल सिंह ने मांग की है कि आरोपियों को जेल भेजा जाए या उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। यूपी के बागपत में बकाया गन्ना भुगतान नहीं होने से गुस्साए किसानों ने डीएम आवास का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि मिल मालिक अधिकारियों से मिलीभगत कर किसानों का भुगतान किए बगैर ही मिल चला रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि अगर उनका बकाया भुगतान नहीं होगा तो वो सत्र में मिल को चलने नहीं देंगे। डीएम बागपत ने किसानों को जल्द भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया है। बागपत के भड़ौत में एक संदीप नाम के युवक ने अपने ममेरे भाई को मार डाला। दरअसल संदीप के मामा ने उसे किसी बात पर डांट दिया था, जिससे नाराज होकर संदीप ने अपने 4 साल के ममेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। संदीप ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र के तलहेड़ी गांव में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और गोलियां चली। गोली लगने से 4 लोग घायल हुए हैं। विवाद की शुरुआत दिवाली के दिन हुई थी। गांव में एहतियातन पुलिस तैनात कर दी गई है। पीलीभीत में छोटे भाई ने नशे की हालत में अपने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात में शराब पीकर घर लौटा तो बड़े भाई ने नशे की हालत में देर से घर लौटने पर उसे डांटा, जिससे नाराज छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के इलाहाबाद में पटाखों की वजह से एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि भाई दूज की रात कुछ युवकों ने महिला के घर के पास तेज आवाज वाले पटाखे चलाए, जिसके शोर से महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने पटाखा चलाने वाले दोनों युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यूपी के इलाहाबाद में दबिश के लिए गई पुलिस की टीम के साथ एक बदमाश की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश रामबाबू के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राम बाबू पर एक छात्र की हत्या सहित 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के करीबी और एसजीपीसी के मेंबर दयाल सिंह कोलियावाली के बेटे परमिंदर सिंह कोलियावाली पर मलोट के नजदीक जानलेवा हमला हुआ। परमिंदर यूथ अकाली दल के सदस्य हैं। परमिंदर सिंह के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और उन्हें बठिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉकी एशिया कप में भारत की जीत पर हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत के जालंधर स्थित घर में उत्सव का माहौल है। मनप्रीत के घर वालों ने मिठाइयां बांटी। मनप्रीत की माता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पूरी भारत की टीम पर नाज है। पंजाब की मोगा पुलिस ने भागा पुराना के संधु गन हाउस में हुई चोरी को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 और 9 अक्टूबर की रात चोर संधु गन हाउस की छत तोड़कर गन हाउस से 4, 5, 12 बोर की बंदूकें चुरा कर ले गए थे। चोरों को पकड़ने के लिए मोगा के एसएसपी ने एक स्पेशल टीम बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 बंदूकें बरामद की गई हैं।